जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग उठने लगी है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों ने समर्थन में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एएमयू के छात्रों ने मौलाना आजाद लाइब्रेरी से बाबे सैयद गेट तक मार्च निकाला और नारे लगाए। हालांकि इस दौरान छात्रों ने जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपियों के खिलाफ भी नारे लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि विवाद में निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। स्टूडेंट्स की तरफ से यू मार्च जो था जेएनयू स्टूडेंट की सॉलिडारिटी के लिए था। हमें जो 9 तारीख का इंसिडेंट जेएनयू के अंदर हुआ उसकी सख्त निंदा करते हैं। जेएनयू के अंदर जिन लोगों ने भीड़ में शामिल होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए या शोभनीय है, भारत की गणतंत्र पर भारत की डेमोक्रेसी पे एक धब्बा है। हमारी मांग है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक हाई लेवल कमीशन सेटअप करके प्रॉपर इंक्वायरी करे और इसके पीछे जो भी लोगों जिन्होंने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिन्होंने भी देश विरोधी नारे लगाए, उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। सोची समझी हुई चाल है क्योंकि आरएसएस पास अब मंदिर और मस्जिद का मुद्दा खत्म हो चुका है और वो जानते हैं कि अब जो सेकुलर हिंदू हैं हम उन पे अटैक करेंगे ताकि एक बार फिर से हिंदुओं को पोलराइज किया जा सके। लेकिन अब उनकी चाल नहीं चलेगी, बिल्कुल उनकी सारी चालें नाकामयाब हो गई है। जैसा कि आपको जेएनयू से नहीं सारे इंडिया की यूनिवर्सिटीज से आपको देखने को मिल रहा है, हर जगह जेएनयू को सारे प्रोटेस्ट मार्च जेएनयू के सपोर्ट में निकाले जा रहे हैं और ये निकाले जाते रहेंगे जब तक कन्हैया को रिहा नहीं कराया जाएगा। और आरएसएस जो सारी यूनिवर्सिटीज का भगवाकरण करना चाहती है, जब तक वो चालें अपनी बंद नहीं करेंगे तब तक ये संघर्ष हमारा चलता रहेगा। इस बीच राजस्थान के जयपुर में भी जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एआईएसएफ के छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्र जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग कर रहे थे। उधर मुंबई के गोरेगांव में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 9 फरवरी को जेएनयू में देश विरोधी नारे के खिलाफ धरना दिया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जेएनयू में अफजल गुरु के समर्थन में और देश विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश भी दिखा। वाराणसी में जेएनयू में लगे देश विरोधी नारे के खिलाफ काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और लेफ्ट नेता डी राजा के पुतले फूंके। बीएचयू के आक्रोशित छात्रों ने दोनों नेताओं पर गंदी राजनीति चमकाने का आरोप लगाया। बीएचयू छात्रों ने अपने विरोध मार्च में जमकर आक्रामक नारेबाजी भी की। छात्रों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी, डी राजा और सीताराम येचुरी जैसे नेता राष्ट्र विरोधी ताकतों का साथ दे रहे हैं। बीएचयू के छात्रों ने इस प्रदर्शन को राष्ट्रभक्त छात्रों का प्रदर्शन बताया।